चौथे स्तंभ के मजबूत साथी सभी पत्रकार बंधु, इस विधानसभा क्षेत्र में साथियों कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पूरी मजबूती और पूरी ताकत के साथ पार्टी के लिए जुटा रहता है। हमने कई यातनाएं सही, 15 महीने की सरकार रही, विकास की गंगा यहां पर भाई, और जैसे ही सरकार गिरी तो इस विधानसभा क्षेत्र का विकास रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। ग्रिड हमने सैंक्शन करवाए 8-15 महीने में, 4 बन गए, 4 जो बच गए थे वो उन जगहों पर दे दिए गए बदल के, जहां पर जीतू भाई 35-35 करोड़ में विधायक बिके थे, उन विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में वो ग्रिड बनाए गए। पर हम वहां नहीं रुके, टेबल ठोकी मेज थपकारी, मैं जीतू भाई के पीछे ही बैठता हूँ विधानसभा में, वो जानते हैं क्या बोलता हूँ और क्या नहीं बोलता हूँ, पर हर चीज करके वो 4 ग्रिड जो ये चुरा के ले गए थे वो वापस छुड़ा के लाए और आज उनके काम चल रहे हैं। साथियों आज अस्पताल बन रहा है 6 करोड़ का यहाँ पर सिविल अस्पताल, ये लोग बदल रहे ना चाहते थे उसको, नहीं बनने देना चाहते थे। छापी दाम बांध पे जो घाट का निर्माण हुआ उसमें दूसरा घाट भी स्वीकृत हो गया था, उसका काम इनने रुकवाया। एक पार्क है जीरापुर में, ये नेताजी जो भाषण देते हैं ना बड़े बड़े यहाँ मंच पे खड़े होके, यूं कर दूंगा और यूं कर दूंगा, उनसे पूछो 25 साल की राजनीति में एक पार्क नहीं बनवा पाए, वो पार्क भी हमने बनवाया जब कांग्रेस की सरकार थी। साथियों मेरा ये निवेदन है, कुंडालिया बांध हमने बनवाया, कुंडालिया बांध हमने बनवाया। अरे भैया कहां कुंडालिया और कहां बांध, कैसे बना? फारिश की जमीन डूबी तो केंद्र सरकार से पर्यावरण की स्वीकृति कौन लेके आया था? नारायण सिंह जी, उस बारे में बात नहीं करेंगे। एडीबी का लोन, एक वित्तीय संस्था बाहर की, बिना केंद्र शासन की तुम्हें लोन मिल जाता, अनुमति मिल जाती। साथियों ये बांध अगर कुंडालिया में बनता तो राजस्थान में पानी जाता, बांध सिरपोई में बना तो आज जीरापुर में पानी आ रहा है। सर मेरा इन लोगों से पूछना है कि किस विकास की यात्रा आप लोग निकालते हो, कौन से विकास की यात्रा आपने निकाली? ये विकास कि किसी पे आपने झूठा मुकदमा बनवाया, किसी का आपने मकान तोड़वाया, किसी की आपने जमीन हड़पी, कहीं सरकारी जमीन पे आपने कब्जा किया, हॉर्टिकल्चर कॉलेज का काम आपने रुकवाने का काम किया जबकि जमीन भी सैंक्शन करा दी थी मैंने, जमीन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के नाम हो गई, सरकार ने मंजूरी दे दी पर फंडिंग रुकवा दी, क्या कि जीरापुर का विकास नहीं हो? मैं इन साथियों से पूछना चाहता हूं, इन भाइयों से जो भाषण देते हैं विकास यात्रा के, एक आवास मिल रही है क्या? कहीं किसी की आवास की किस्त डली किसी पंचायत की? 6 महीने से पेंशन जमा हुई क्या? 2 लाख रुपए संबल के मिलते हैं किसी के डले क्या? ये बोलते हैं ना कमलनाथ जी ने संबल रोक दी थी, अब शिवराज सिंह संबल निकल गया, पैसे निकल गया सारे, ये मैं बोलता हूं आज इस मंच से। कईयों के परिजनों की मृत्यु हो गई है, 7-7 महीने हो गए पैसा नहीं डला, कुआ डरड़ गया पैसा नहीं डला, भैंस मर गई पैसा नहीं डला, करंट से भैंस मर गई पैसा नहीं डला। किस बात का विकास? ये जिसका 300 रुपए का बिल आता था कांग्रेस की सरकार में उसका 3000 रुपए का बिल आ जा रहा है, इस बात का विकास? 4000 किसानों के ऊपर यहां हमारी तहसील में 4000 किसानों के ऊपर 135 के प्रकरण बन गए, उनको वसूली के लिए कोर्ट के नोटिस जारी हो गए कि नहीं हो गए बताओ विक्रम सिंह जी, हुआ कि नहीं हुआ? भानपुरा का कोई खड़ा हो तो बताओ भानपुरा में चेकिंग हुई कि नहीं हुई, प्रकरण बने कि नहीं बने बताओ रामचरण जी। तो मेरा आपसे ये निवेदन है साथ कि आज 135 के 4000 प्रकरण हमारी विधानसभा क्षेत्र में बने हैं और 15 महीने की सरकार में, ये दावा कर रहा हूं यहां पर बस स्टैंड पे, कोई अगर गलत प्रूफ कर देगा तो भाषण देना बंद कर दूंगा, पर 15 महीने की सरकार में हमने एक आदमी का बिजली का कनेक्शन नहीं काटा, हमने एक किसान के ऊपर 135 का प्रकरण नहीं बनाया। कमलनाथ जी ने कैबिनेट में फैसला करके दिल्ली भेजा था कि विद्युत अधिनियम की 135 और 138 धाराएं समाप्त कर दी जाएं और मध्य प्रदेश में
किसी किसान के ऊपर 135 और 138 में केस नहीं बनेगा सर। 27% बिजली का दाम इनने बढ़ाया। जब मैं मंत्री था तो 10 घंटे बिजली मिलती थी कि नहीं मिलती थी? डीपी कैसे बदलाती थी? कैसे बदलाती थी डीपी? आज डीपी कैसे बदलाती है? पैसे देके, दाम चुका के आज डीपी बदलाती है। साथ एक बात बताओ, क्या बिजली का कारखाना खिलचीपुर में लगाओ जो मैं बिजली पैदा करता था? पर व्यवस्था करते थे, बिजली की सप्लाई करवाते थे, किसान की खेत तक बिजली पहुंच जाए ये सुनिश्चित करते थे, रात को सोते कम थे और काम ज्यादा करते थे। साथियों, आप लोगों के बीच में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज मुआवजे की बात होती है, फसल खराब हो जाती है तब, बीमे की बात होती है। मामा जी आए थे, राजनाथ सिंह जी को भी बिठा के लाए थे मोहनपुरा के बांध पे। कितना बीमा मिला हमें? बीमा मिला फसल का? और जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो 93 करोड़ रुपया खिलचीपुर को और 95 करोड़ रुपया जीरापुर को 25% बिना सर्वे के खाते में पैसा डाला था कि नहीं डाला था? 2019 का खरीफ का बीमा कैसा मिला था? तो मेरा आपसे यही निवेदन है साथियों, किस मोर्चे पे अपनी सफलता की ये बात करते हैं। आज कुंडालिया बांध का अमानपुरा, बावड़ी खेड़ा, खुरचनिया, गादिया, गादिया खुर्द, डोबड़ा, हासलबे और ये पूरी पट्टी करकरी तक की कुंडालिया बांध के पानी से छूट गई थी। क्यों छूट गई थी? क्योंकि खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में भेदभाव की राजनीति होती थी। मैं मंत्री बना, मैंने कुंडालिया का नक्शा मंगवाया, मैंने ये बीच में गैप कैसा, गागोड़नी से इधर से लेके इधर तक के गांव, पठार के रूपाहेड़ा तक के बंद क्यों, शिवपुरी में क्यों नहीं नहर डली, डोबड़ा में क्यों नहीं नहर डली, आपके हाँ नईपुरिया में इनके गांव में क्यों नहीं नहर डली, बाड़िया मंडलोई में नहर क्यों नहीं डली, ये तो नहीं चलेगा। मैंने बोला इन गांवों ने तो मुझे विधायक बना के पहुंचाया है। मैंने उनको हाई पावर कमेटी में कमलनाथ जी से 10,500 हेक्टेयर बाद में जुड़वाया, जो LNT को ठेका नहीं हुआ, राघोगढ़ की BVCL को ठेका हुआ और वो काम आज चल रहा है। ये क्या था? ये भेदभाव का चेहरा था, ये जातिवादिता का चेहरा था, ये बदमाशी का चेहरा था, ये लोगों की विकास को रोकने वाला चेहरा था। और आज भारतीय जनता पार्टी वही चेहरा आपके बीच में वापस लेके आई है। साथियों, विचार करना, विचार करना इस बात का। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी राजा साहब। अब लोगों का काम तो किया नहीं, लोगों के काम कटाए, लोगों की काट छाट करी, लड़ाई भिड़ाई करी, अब कहने आ रहे हैं मारो तो आखिरी चुनाव है रे दादा। पिछलो चुनाव भी आखिरी, तो यो चुनाव भी आखिरी है और अगलो चुनाव छोरा को पहलो चुनाव होगो। मैं तो भाजपा के नेताओं से भी कहता हूं दादा, और गणा घूमिया था भी, गणो पेट्रोल बालियो, कदी विजय वर्गीय जी के साथ फोटो, कदी मामा जी के साथ फोटो, कदी नरेंद्र सिंह जी के साथ फोटो, अरे दिल्ली बंबई भोपाल सब एक कर दी, पर धनुरिया ने जीत ली जंग। समझ जाओ क्या है मामला पूरा। अब जाके फर्जी वीडियो बना रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं, भिड़ा रहे हैं। अरे भैया एक बात बता दो, 2 साल कोरोना के निकल गए, 2 साल में 1-1.5 करोड़ रुपया जीरापुर में कोरोना के लिए व्यवस्था, सिलेंडर की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, खिलचीपुर में हो, जीरापुर में हो, माचलपुर में हो। इंदौर में ऑक्सीजन खत्म हो गई पर खिलचीपुर, जीरापुर, माचलपुर में मैंने ऑक्सीजन खत्म नहीं होने दी। कौन सा अस्पताल था, कौन सा अस्पताल था भोपाल का, इंदौर का, झालावाड़ का, कोटा का, अगर हमारे यहाँ का मरीज पहुंच गया रात को टेलीफोन कर दिया तो बेड कैसे भी करके मैनेज किया जाए, कोई कड़ी कुंदे लगाए, राशि देनी पड़ी कोरोना समय में। कुछ 1-2 घोषणाएं, 10-12 घोषणाएं बच गई होंगी। अरे आप भी तो इतने साल विधायक रह गए, आपने तो 4 आने नहीं दिए और हम पे आरोप लगाते हो। अब खुद तो मियां फजीहत और दूसरों को तो नसीहत, कौन सा नियम हुआ ये?
अरे जहां पे भी कुछ रह गया होगा डबल ब्याज समेत वापस लौटाऊंगा साथियों, और जबरदस्त तरीके से काम करके दिखाऊंगा। पर मेरा ये निवेदन है, ये जो झूठ बोलने की जो सरकार चली है यहाँ पर भोपाल से लेकर जीरापुर तक और जीरापुर से लेकर दिल्ली तक, इनका याद रखना। बाकी प्रदेश की बातों पर जीतू भाई बोलेंगे, पर मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के एक एक बच्चे को अपने परिवार का सदस्य मान के चलाऊं कभी। ये कहते हैं कि तो राजा महाराजा है, महल में रहता है, तो था गौतम तुम हो यानी सेन साहब की होटल में रेवा लग जाऊं कल से। पर यानी कहेगा कि नाटक कर रहे हैं यहाँ पे, कहेगा कि नहीं कहेगा कि नाटक कर रहे हैं, पैदा तो महल में होया था रेवा यहाँ लाग गया। पर किसी के साथ कभी मैंने ऐसा भेदभाव किया हो तो बता दो मुझे, 36 ही जात को साथ लेकर चलाऊं। छोटे से बच्चे ने भी हाथ पकड़ के अगर कहा, 25 साल में सार्वजनिक जीवन के छोटे से बच्चे ने भी अगर कहीं हाथ पकड़ के कहा तो हाउस के साथ हो गया, उसका काम करने का प्रयास किया, कभी किसी से उसकी जाति नहीं पूछी, उसका धर्म नहीं पूछा, उसका क्षेत्र नहीं पूछा, और यहाँ तक कि उसकी पार्टी तक नहीं पूछी। भाजपा का आदमी भी अगर दरवाजे पे आ गया तो उसको भी खुश करके लौटाया, कभी उसको निराश नहीं होने दिया। अब ये यहाँ पे ज्ञान देते हैं। तो साथियों मेरा तो ये निवेदन है कि ये तो सब सपने हैं, आप मेरे हो और मैं आपका हूँ, और हमेशा आपके साथ था, साथ हूं और साथ खड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।